जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो सुपर सुपर स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 22 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में। तो रेडी हो जाइए, आज बताने जा रही हूँ आपकी सुपर पावर। जैसे शक्तिमान के पास थी, जैसे बैटमैन के पास थी, जैसे स्पाइडरमैन के पास थी, वंडर वुमन के पास थी, वैसे ही पावर भगवान ने आपको दी हुई है। बस आपको उस क्वालिटी को पहचानना है और अपनी कमजोरियों को जानना है, और जैसे जैसे आप अपनी कमजोरियों को जानकर उन्हें खत्म करते रहेंगे तो आप भी हो जाएंगे सुपर डुपर हिट। जी हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज बात करूंगी नंबर 22 की। 22 ये एक मास्टर नंबर है न्यूमरोलॉजी में। 2 किसका नंबर है? मून का नंबर है। तो 2 मून की पावर आपके पास में है। 2+2 करें तो ये बन जाता है नंबर 4, यानी कि आपके पास में है राहु की पावर। ऐसे लोग बहुत बड़े लीडर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, विजनरी थिंकर होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ बड़े बड़े गोल नहीं बनाते, उन्हें अचीव करने के लिए मेहनत भी करते हैं। और राहु इनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है जो इनको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग देता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकते हैं। दे नो हाउ टू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम, हाउ टू ओवरकम थ्रू चैलेंजेस। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशन इनके पास रहते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग आपको मिलेंगे। लॉयल्टी के किंग हैं आप। जी हाँ, डीपली कमिटेड होते हैं, चाहे वो कमिटमेंट फ्रेंड्स के साथ है या फैमिली के साथ है। ये लोग किसी से भी खाली ऊपर ऊपर का कनेक्शन नहीं बनाते, बल्कि डीपली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग ओपन माइंडेड आप देखेंगे। इनके नए नए आइडिया होंगे, नए नए पर्सपेक्टिव होंगे। एनालिटिकल स्किल्स कमाल की होती हैं इनके पास में। कॉन्फिडेंस का तो क्या कहना। दे नो देयर एबिलिटीज एंड दे ट्रस्ट देयर डिसीजन मेकिंग पावर। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बाउंस बैक करने की क्वालिटी देखी जाती है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, दे आर एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स। ऐसे लोगों का बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेके। परसिस्टेंसी भी काफ़ी देखी जाती है। ड्रीम भी करते हैं, डिसिप्लिन भी हैं आप, और हार्ड वर्क से उसे अचीव भी कर लेते हैं। बात की जाए ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर की, तो इनकी सिक्स सेंस गजब की होती है। इनकी दी हुई एडवाइस अगर आप मान लें तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्रिएटिव, इनोवेटिव, सुपर डुपर इनोवेशन के साथ भरे हुए, इंट्यूटिव एंड कॉन्फिडेंट विजनरी थिंकर होते हैं आप लोग। अब आपकी बहुत तारीफें हो गई, कमजोरियों पे भी आते हैं। जी हाँ, आप कभी हो जाते हैं ओवर क्रिटिकल, जिससे आपको बचना चाहिए। कभी बहुत ज़्यादा स्टबन, कभी आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। यू वॉन्ट थिंग्स वेरी क्विकली, अगर जल्दी ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग्स भी दिखाई देते हैं। आपको डेलीगेट करने में कोई भी काम हो, 22 नंबर भी अगर होम मेकर हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आगे जाके प्रोफेशन में डेलीगेट करना सीखिए, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाएगा। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, दूसरों पे ट्रस्ट करने में इन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, और अपनी भावनाओं को ये लोग कई बार दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये कमजोरियों के ऊपर विजय जरूर प्राप्त कीजिएगा। इनको लेट गो करेंगे तो आपकी सुपर क्वालिटीज बढ़ती जाएंगे। कहते हैं ना, हमारी कमजोरियां, एक कमजोरी हमारी 100 अच्छाइयों के ऊपर भारी पड़ जाती है। और आपको पता है समाज कैसा है, एक बुराई बहुत जल्दी स्प्रेड होगी। कुछ समझे तो अपनी कमजोरियों के ऊपर जरूर काम कीजिएगा। रिलेशनशिप में बात करें तो ये लोग ओपन कम्युनिकेशन नहीं करते कभी, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो आपको अपने पार्टनर के साथ में अपनी कम्युनिकेशन को फेयर रखना है, और फ्रिक्वेंटली जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना ही लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है आपके रिलेशनशिप में वो दूर होती रहेगी। अपने फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा। अब बारी है 23 की। आपके नाम के आगे मास्टर नंबर नहीं लगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई सुपर पावर नहीं है। आपके पास भी बहुत सारी सुपर पावर हैं। तो चलिए आपके सीक्रेट खोलते हैं।
23rd नंबर न्यूमरोलॉजी में आपके पास में 2 यानी कि मून की पावर, 3 यानी जुपिटर की पावर और इससे बना हुआ है नंबर 5 यानी कि मरकरी का नंबर। सो यू आर वेरी 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 लक्की, आप में बहुत ही अच्छा चार्म होता है, कम्युनिकेटर कमाल के होते हैं, ऐसे लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव रहता है कि किसी को भी इस कम्युनिकेशन के थ्रू अपने बस में आप कर लें। आपके पास में ये जो क्वालिटीज है इससे आप बहुत जल्दी दूसरों के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं और आप हमेशा यंग दिखना पसंद करते हैं, अपने आप को मेंटेन करना पसंद करते हैं। क्रिएटिविटी के क्वीन है या किंग आप लोग हैं। सोशलेबल हैं यानी कि कहीं पर भी जाएंगे बहुत जल्दी आप लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे, उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आप बिल्ड कर लेंगे। हमेशा पॉजिटिव आउटलुक में भरे हुए रहते हैं आप लोग, हर चीज जानना है, यू आर ऑलवेज ईगर टू लर्न, यू आर ऑलवेज ईगर टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, फ्लेक्सिबल हैं। इतने सारे दोस्त बनते कैसे हैं? क्योंकि आप हर किसी को समझते हो और हर किसी के साथ एडजस्ट करने की क्वालिटी रखते हो। यू आर द वन हु अडेप्ट क्विकली टू न्यू सिचुएशन। आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, आपके पास में जो रिसोर्सेस होगा आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा चार्मिंग नेचर के होते हैं ऐसे लोग। चार्मिंग ऐसा नहीं कि दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, बट इनका जो कम्युनिकेशन होता है ये इनकी सुपर पावर है। सो ये लोग चार्मिंग कम्युनिकेटर होते हैं। आप लोगों में हमेशा एक एक्साइटमेंट होता है, न्यू एनर्जी होती है, रिस्क टेकिंग आप लोग होते हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक जगह पे टिक कर बैठने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोग प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत क्विकली दे देते हैं। अब एक कमजोरी जो सौ छाइयों पे भारी पड़ती है, जिनको लेट गो करना है, आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, इम्पल्सिव हो जाना। वो जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हो, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। योर फोकस इज लाइक अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर थोड़ी देर में कहीं किसी फ्रेंड का कॉल आया, वहां चले गए, किसी ने टीवी ओपन कर दिया तो आपको नहीं पता पढ़ने बैठे थे, आप पढ़ाई छोड़ के वो टीवी देखना शुरू कर दोगे। इनसिक्योरिटी आप में बहुत होती है, यू डाउट ऑन योर एबिलिटीज, क्यों करते हो ऐसा। यू आर अ वेरी पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी में, देखो मून जुपिटर और साथ में मरकरी की पावर आपको मिल रही है। फोकस अगर कर लेंगे ना तो जिंदगी में हर विजन हर गोल को आप अपने पूरा कर लेंगे। इनसिक्योरिटी को लेट गो जरूर कीजिए, ओवर कमिटमेंट से हमेशा आपको बचना है। कई बार आप फिकल माइंडेड हो जाते हैं, एक बार कोई डिसीजन दिया फिर उसको चेंज किया, ये कोर्स मैं करूंगा, चलो मैं म्यूजिक कर लेता हूँ, नहीं मुझे म्यूजिक में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेट मी एक्सप्लोर सम अदर थिंग्स। आप एक्सप्लोरर हैं बट कभी कभी जरूरत से ज्यादा चेंज भी अच्छा नहीं होता है। आपका जो माइंडसेट है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो इसके लिए अपना शॉर्ट एनालिसिस जरूर कीजिएगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको इम्पल्सिवनेस नहीं दिखानी है, हेस्टी डिसीजन मत कीजिएगा, जल्दीबाजी के काम शैतान के कहा गया है। अगर आप जल्दीबाजी छोड़ दें सो आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं और अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बस इम्पल्सिव मत होइएगा, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, तो देखो आप रिलेशनशिप में हमेशा फन ढूंढते हो, कई बार इसी फन के चक्कर में अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हो। ऐसा पार्टनर आपको हमेशा दिखेगा कि नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, अगर एक बहुत अच्छा कुक है तो नई नई रेसिपी बना रहा है। ऐसे लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है, क्रिएटिव काम में इंगेज रहना पसंद होता है। तो अगर आपका पार्टनर 23rd को जन्मा है तो उसके साथ में कोई ट्रिप प्लान जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट मंथली वंस जरूर घूमने जाइएगा, क्योंकि इनको वैरायटीज, मल्टीटास्किंग, एडवेंचर और रिस्क वाली एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पसंद हैं। अब बारी है उन लोगों की जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 24 तारीख को। 2 किसका नंबर है? मून का। 4 किसका नंबर है? राहु का। और 2+4 करें तो बन जाता है 6 यानी कि वीनस का नंबर। ऐसे लोगों में गजब का चार्म होता है, ऐसे लोग हमेशा एक प्रोटेक्टर देखे गए हैं। अगर ये फीमेल हैं तो आप देखेंगे कि ये अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहती हैं।
अगर ये मेल भी हैं तो भी अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं और ओवर प्रोटेक्शन देने की हमेशा इनको आदत होती है। ऐसे लोगों में इमोशनल स्टेबिलिटी देखी गई है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को भी इमोशनल सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रिश्तों में हार्मोनियस एनर्जी बना के रखना, समझौते से आगे बढ़ना इनकी सुपर क्वालिटी होती है। ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा चार्म देखा जाता है, अट्रैक्टिव होते हैं, डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं दूसरों की फीलिंग को, एम्पैथी की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है, सपोर्टिव नेचर के होते हैं ऐसे लोग। आप लोगों में इंट्यूशन पावर, आपकी गट फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो आपको लाइफ के कॉम्प्लिकेट डिसीजन लेने में आपकी मदद करती है। नर्चरिंग क्वालिटीज है आपकी, आप बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ऑब्वियसली अपनी फैमिली और फ्रेंड से तो बहुत ज्यादा प्यार करते ही हैं आप। थॉटफुल होते हैं ऐसे लोग, हमेशा यू नो माइंडफुल एक्टिविटीज करना पसंद करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में विजनरी पावर भी काफी अच्छी होती है। क्या करना है, क्लियर सेंस ऑफ पर्पस कहेंगे इन लोगों को, गॉड गिफ्टेड होता है। आप लोग बहुत अच्छे विजनरी हो, इसके ऊपर जरूर काम कीजिएगा। कोई बड़ा लक्ष्य अपनी लाइफ में जरूर डिसाइड कीजिएगा। आप में ऑनेस्टी होती है, कोई भी काम को ईमानदारी से करना पसंद करते हो। ऐसे लोग हमेशा ऑप्टिमिस्टिक देखे गए हैं, कोई भी सिचुएशन हो जाए तो ये हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दे ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव आउटकम और कम्युनिटी में भी बहुत अच्छे से इंगेज हो जाते हैं। इनमें ऐसा जाम होता है, ये किसी को भी अपनी बातों से आकर्षित कर सकते हैं। अब आपके कुछ चैलेंजेस जिनको आपने लेट गो करना है। ओवर थिंकिंग बंद कर दो, ठीक है, नहीं तो ओवर थिंकिंग के इस ट्रैप में फंस के आप नेगेटिव इमोशंस जनरेट कर लोगे और ना जाने अपने कितनी चक्रा खराब कर लोगे। फियर ऑफ रिजेक्शन, आप कोई नया काम करने से पहले हेजिटेट भी बहुत होते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, समटाइम्स यू रिले ऑन योर पार्टनर टू मच। आपको दूसरों का वैलिडेशन चाहिए होता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, अच्छी बात है, बट समटाइम आप बहुत ज्यादा शाई हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हार्मनी बनाने के चक्कर में आप अपने लिए स्टैंड लेना भूल जाते हैं। और आपकी एक सबसे बुरी आदत जानते हैं, आप लेट गो नहीं कर पाते। तो अभी तक मैंने जितनी बुराइयां आपको बताई हैं, आपने कितना रेजोनेट किया, और इनको लेट गो करना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। पास्ट की चीजों को होल्ड करके रखते हैं और आसानी से किसी को भी माफ नहीं करते। आपने कितनी बातों से रेजोनेट किया कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, रेमेडीज अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आप अपने इन चैलेंजिंग ट्रेड्स को टक्कर दे सकें, लेट गो कर सकें इन बुराइयों को, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर रेमेडीज पूछिएगा। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 25 तारीख को। आपकी सुपर पावर है स्पिरिचुअलिटी, एंड आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल विजनरी पर्सन हैं। ऐसे लोग हमेशा देखेंगे कि अपनी जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, और ऐसे लोगों में विजडम और इंट्यूशन काफी कमाल का रहता है। ये लोग वो हैं जो अपनी गट फीलिंग के थ्रू गाइड होते हैं। ऐसे लोगों में डीप विजडम होती है, इंट्यूटिव होते हैं, और लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजन ये कर पाते हैं क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। 2 यानी कि मून का नंबर, 5 यानी कि मरकरी का नंबर, और इससे मिलने वाला 7 यानी केतु का नंबर। तो आपकी लाइफ में इन तीन प्लैनेट का इन्फ्लुएंसेस और सबसे ज्यादा केतु का इन्फ्लुएंसेस देखा जाता है, और ये तीन प्लैनेट आपकी पर्सनैलिटी को बना देते हैं बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस। आप हमेशा नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करेंगे। आप बहुत जल्दी
क्विकली यू आर द वन जो एडजस्ट हो जाते हैं किसी भी न्यू सिचुएशन में. आपके अंदर बुद्धिमानी, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. यू आर ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स एंड यू इन्जॉय सरप्राइज एंड यू वॉन्ट एवरी थिंग इन योर लाइफ. आपको हर चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, बट आप बहुत ज़्यादा मटलिस्टिक नहीं होते हैं. आपको सारे रिसोर्सेज चाहिए अपनी लाइफ में. आप बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. आप में ये भगवान ने गॉड गिफ्टेड पावर दी हुई है कि आप दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं और उनका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज होता है. आप वो हैं जो रिस्क लेने से कभी नहीं डरते. आप हमेशा बैलेंस लाइफ पसंद करते हैं. आपको समझना सबके बस की बात नहीं है, बिकॉज आप बहुत सारे राजों को राज रहने देते हैं. थोड़े से मिस्टीरियस है. आपको ग्रुप में काम करना बहुत ज्यादा पसंद है. यू आर द वन जो हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं और अपनी लाइफ में हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं. अपनी सीमाओं को तोड़कर कभी कोई गलत काम नहीं करते. अब ऐसी बुराइयां जिनको आपने लेट गो जरूर करना है, और आज ही से प्रॉमिस कर लीजिए कि इनको मैं बाय बाय जरूर बोलूंगा 2025 से पहले. आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो. आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो किसी एक्टिविटी से. कमिटमेंट इश्यूज आते हैं आपको. यू नीड टू लर्न हाउ टू बिल्ड द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. आज आपने कोई कोर्स का ज्वाइन किया, आप में बड़ा जोश होता है, बट ये जो कमिटमेंट है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता है. इसकी वजह से आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाओगे. और ऐसा क्यों होता है पता है? सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा करते हो आप. यू ऑलवेज क्वेश्चन ऑन योर एबिलिटीज. आज आपकी बहुत सारी एबिलिटीज मैंने बताई. आप में करेज है, एनर्जेटिक हो, आप अच्छे से दूसरों के साथ कोलैब कर लेते हो, ग्रुप में इंजॉय करते हो, रिसोर्सफुल हो, यू नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. अब इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद में सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए. व्हाई यू आर क्वेश्चनिंग ऑन योर एबिलिटीज? मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, आज करे कौन सी यार वो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब. ठीक है, तो डिले करना काम को बंद कर दीजिए. यू डिले द टास्क. ठीक है, क्यों करते हैं डिले जानते हैं इसका कारण? परफेक्शन चाहिए ऐसे लोगों को. प्रोग्रेस इज द की. डोंट लुक फॉर परफेक्शन. इस बात को याद रखिएगा. आपने कितना रेजोनेट किया कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. और रेमेडीज के लिए मुझे मैसेज कीजिएगा. आई शेयर द रेमेडीज उन्हीं लोगों को जो रियल में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं. कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैम आई बोर्न ऑन 25, आई नीड अ रेमेडी. श्योरली आई शेयर द वैदिक रेमेडी विथ यू. अपना नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर शेयर करिएगा. अब बारी है हमारे अगले नंबर 26 की. यू आर द बोल्ड लीडर. किसका नंबर है? मून का. 6 किसका नंबर है? वीनस का. और इससे बनता है 8 कर्म फल दाता शनि देव का नंबर. सैटर्न से लाइफ बहुत इन्फ्लुएंस होती है. ऑब्वियसली मून आगे आया है तो उससे भी आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस होगी. डिसीजन मेकिंग कमाल की. बड़े बड़े गोल, मटेरियलिस्टिक चीजें आकर्षित करती हैं. बॉर्न लीडर हो आप. You always wanted to take a charge. Decision making भी काफी कमाल की होती है. You are the one जो pressure में काम करना जानता है. Responsible व्यक्ति हो. बहुत अच्छे से आप किसी के साथ connect होते हो. एक naturally charming nature है आपका. Strong family values आपकी होती हैं. आप discipline से काम करना जानते हैं. आप genuinely दूसरों की care करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति जो आपसे जुड़े हुए हैं वो भी अपनी life में आगे बढ़ें. और उसके लिए आप motivate करने से भी पीछे नहीं रहते. You are the one who always inspire others to do their best. आप सेंसिबल अप्रोच रखते हैं लाइफ में. लॉयल हैं, डिटेल ओरिएंटेड हैं. यू ऑलवेज पे अटेंशन टू द फाइन डिटेल. अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलते हैं. आपकी बुराइयां जिनको लेट गो करना जरूरी है. परफेक्शन के चक्कर में मत भागो यारो. ठीक है, परफेक्शन 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 मैं आप टाइम बहुत अपना बर्बाद कर दोगे. यू हैव अ टेंडेंसी टू वरी. You often concern for the future outcomes. Present में भी जीना सीखो ना. You always
यू नो रेजिस्टेंट टू द चेंज, आपको चेंज पसंद नहीं आते, यू वांट टू, यू हैव टू लर्न टू गो विद द फ्लो एंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, यू टेक वन मोर देन देयर शेयर ऑफ टास्क. आपने अपना काम तो किया ही है, दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ऑफिस में हैं तो वहाँ पे भी ओवर बर्डन अपने आप को कर देते हैं. तो ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने समझना है और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना है. कुछ समझे? अगर समझे तो सुधारना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए. कई बार बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट और गिल्टी की फीलिंग्स आपके अंदर देखी गई है, इसको भी लेट गो कीजिएगा. रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग को खुल के शेयर कीजिए. किसी वेकेशन पे जाइए, आप कोई कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर साथ में काम कीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बन सके. अब बारी है नंबर 27, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर. 2 का नंबर मून का नंबर, 7 का नंबर केतु का नंबर, और 2+7 करें तो बन जाता है 9 का नंबर, यानी कि मार्स की एनर्जी. बहुत पावरफुल प्लैनेट है मार्स, जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है. मून एंड केतु ऑब्वियसली आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपकी पर्सनालिटी को बना देते हैं. बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, ऐसे लोग अच्छे खासे इंस्पायर करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं दूसरों को. यू आर द वन जो बहुत ही अच्छे फिलोसफर हैं, हमेशा डीप डिस्कशन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपके नेचर में देखी गई है. क्रिएटिव होते हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, यू शो जेन्युइन केयर फॉर अदर्स, ऐसे लोग ह्यूमैनिटेरियन होते हैं. बहुत बड़ा पावर है आपका कि आप दूसरों के लिए सेल्फलेस काम कर सकते हो. इंटेलेक्चुअल पावर भी बहुत ज्यादा होती है. यू ऑलवेज वैल्यू इन योर लाइफ, हमेशा एक इंटेलेक्चुअल पावर भी बहुत ज्यादा होती है. यू ऑलवेज वैल्यू नॉलेज एंड लर्निंग इन योर लाइफ. बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हो, दूसरों की फीलिंग को समझते हो और दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट भी बहुत करते हो. यू आर वेरी 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 सेंसिटिव पर्सन. विजनरी होते हो, बड़े बड़े ड्रीम देखते हो, दूसरों को इंस्पायर करते हो, ओपन माइंडेड होते हो. यू ऑलवेज लाइक टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स इशूज, और आप कर भी सकते हो क्योंकि आपके पास में पेशेंस बहुत ज्यादा है. आपकी लाइफ में आपके डाइवर्स पर्सपेक्टिव हैं, लॉयल फ्रेंड्स हैं आप जिनके साथ भी जुड़ेंगे तो बहुत अच्छे से जुड़ेंगे. फेविकॉल वाला जोड़ आपकी लाइफ में बैलेंस अप्रोच है. अभी किसी चीज की नहीं करते हो, आज आपकी सैलरी आई और आपने पूरा पैसा शॉपिंग पे उड़ा दिया, ऐसा कभी भी आपकी लाइफ में नहीं देखा जाएगा. लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप एक बैलेंस अप्रोच रख के चलना पसंद करते हैं. कितनी बातों से रेजोनेट किया है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, इससे मेरी लर्निंग बढ़ती है. अब बात करेंगे ऐसी प्रॉब्लम जिनको आपने लेट गो करना है. अब बात करते हैं आपके चैलेंजिंग ट्रेट्स की. तो आप बहुत ज्यादा मूडी हो, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, मूड अप कभी डाउन, और इसी के हिसाब से आपके एक्शन भी हो जाते हैं. तो इतने मूड स्विंग्स को कंट्रोल जरूर कीजिएगा. इन डिसिसिव स्टेज आ जाती है. यू स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट चॉइसेस. अब डिसीजन मेकिंग में थोड़े से खराब आपको कह सकते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, कई बार परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हो और उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हो, इसके कारण काम डिले हो जाते हैं आपके. आप हमेशा ऐसे लोगों जो ना कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहेगा. कई बार आप अपनी मिस्टेक को भी कमिट नहीं करते हैं, आप ओवरली सेंसिटिव हैं, यू टेक थिंग्स पर्सनली. ऐसा नहीं करना है आपको. आप अगर प्रोकास्टिनेशन छोड़ दें, परफेक्शन के पीछे ना भागें और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें, सो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. कुछ समझे? अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना होगा. जो आपकी इनडिसीजन वाली स्टेज है उसको खत्म करना होगा. यू स्ट्रगल अ लॉट टू मेक चॉइस इन योर लाइफ. आपको स्पेस बहुत ज्यादा काम करना है. गिव ईच अदर स्पेस. आपने अपने पार्टनर को स्पेस देना है. आपको सपोर्ट करना है अपने पार्टनर को टफ टाइम में, जब भी आपकी जरूरत हो. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना ले जाएंगे. अगले नंबर की, और हमारा अगला नंबर है नंबर 28 की. 2 मून का नंबर, 8 सैटर्न का नंबर, और इससे बन जाता है 10. इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1+0 आ जाता है 1 का नंबर. यानी कि ऐसे लोग
आपका एम्बिशन बहुत ही ज्यादा होगा. एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग, हमेशा आप देखोगे परसिस्टेंसी की कोई कमी इनके अंदर में नहीं होती है. जो डिसाइड कर लिया बस उस काम के पीछे लग जाते हैं. दे वॉन्टेड टू शेयर देयर फीलिंग्स विद अदर, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं. जो भी इनके पास रिसोर्सेस है दूसरों के साथ शेयर जरूर करेंगे. बहुत बार ऐसा देखा गया है कम रिसोर्सेस में भी ये अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बना लेते हैं. विजनरी होते हैं, लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अप डाउन ये लोग अपनी लाइफ में देखते हैं, बट इनकी हिम्मत ऐसी होती है कि जो टूटती नहीं है, ये फिर से खड़े हो जाते हैं. दे बिलीव इन देयर क्वालिटीज, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हमेशा अपनी लाइफ में ऑनेस्टी को प्रायोरिटी देते हैं. कभी भी कोई इलीगल काम करना पसंद नहीं करते हैं. बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं ऐसे लोग. आप देखोगे कि दे आर द वन हु ऑलवेज टेक इनिशिएटिव टू मेक थिंग्स हैपन. केयरिंग नेचर है, जेन्युइन कंसर्न्स है. ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपसे जुड़ रहे हैं, किसी से भी जुड़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन कंसर्न्स होता है आपकी वेलबींग के लिए. अब बात करेंगे आपके चैलेंजेस जिनको आपने लेट गो करना है. तो देखो वर्कहोलिक हो बहुत ज्यादा, ठीक है, इससे क्या होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की प्रायोरिटी भूल जाते हो. यू हैव टू प्रायोरिटाइज वर्क ओवर योर पर्सनल लाइफ. इम्पेशेंट हो, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हो अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं होती है, ठीक है, फास्ट पेस में नहीं होती है, तो आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव और स्ट्रेस में देखे गए हो. ओवर कमिटमेंट से बचो. Sometimes you take many responsibilities. Too many responsibilities से आपको बचना चाहिए. आपको difficulty आती है delegate करने में, किसी को अपना काम share करने में. Control issues. Sometimes you want to control everyone. And you may struggle a lot to let go of control. इस आदत को भी सुधार लीजिए. समय रहते हुए आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कीजिए और इम्पल्सिव मत होइए, धैर्य मत खोइए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप तभी खराब होते हैं जब आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते और जो भी प्लान आप बना रहे हैं आप उसको कमिटमेंट के साथ में पूरा कीजिए. यू शेड्यूल योर रेगुलर एक्टिविटीज, ठीक है. आपने अपने पार्टनर के लिए भी समय निकालना है, अपनी कंपनी के लिए भी समय निकालना है और अपने पार्टनर को भी समय देना है. कोई भी लेट नाइट डिनर प्लान कर सकते हो, वीकेंड पे कहीं जा सकते हो, जिससे आपका ये बॉन्ड फिर से रिकनेक्ट हो सके. रिलेशनशिप टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. अब बारी है हमारे अगले नंबर की और ये नंबर है हमारा 29. 2 मून का नंबर, 9 मार्स का नंबर, 9 प्लस 2 11 और फर्दर डिवाइड करें तो ये बन जाता है 2, यानी कि अगेन मून का नंबर. तो इनकी लाइफ में भी मून मार्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखा जाएगा. तो आपकी पर्सनालिटी को ये बना देता है एक ड्रीमर, एक काइंड हार्टेड पर्सन, एक क्रिएटिव पर्सन जो हमेशा इमेजिनेशन में रहना पसंद करता है. यू हैव एम्पैथी फॉर अदर्स. आप डीपली किसी के साथ में कनेक्ट होते हैं. आप में इमोशंस बहुत ज्यादा है. आप लोग डे ड्रीमिंग भी करते हैं कभी कभी. भगवान ने आपको सुपर पावर दी है इंट्यूशन की, यूज जरूर कीजिएगा. हर डिसीजन मेकिंग में ये इंट्यूशन की पावर आपको सही रास्ता दिखाएगी. तो अपनी गट फीलिंग को सुनिएगा जरूर. आर्टिस्टिक टैलेंट है आप में, कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हो. बहुत ज्यादा एडेप्टेबल नेचर के होते हैं ऐसे लोग. इम्पैथी कूट कूट के भरी होती है आप में. इनोवेटिव आइडियाज होते हैं. बहुत ज्यादा दयालु हो. आपने अपनी लाइफ में दुख देखे हैं और बाउंस बैक भी किया हुआ है और इसी बाउंस बैक इनकी दुखों ने आपको बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड बना दिया है, जिससे आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए रेडी रहते हैं. कम्युनिकेशन काफी अच्छा होता है. आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है. आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को दूसरों के साथ बहुत आसानी से शेयर कर लेते हैं. एक तरह का बैलेंस और हार्मनी बनाने वाला नेचर है आपका.
You are the one who always eager to learn and explore new ideas. आपसे कितनी बातें रेजोनेट करी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. हम बात करते हैं आपके चैलेंजेस की. आपको लेट गो करना है क्रिटिसिज्म. कभी भी किसी भी व्यक्ति ने आपको क्रिटिसाइज किया है, आप उसको उल्टा क्रिटिसाइज मत कीजिए, लेट गो करिए, जाने दीजिए. आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं दूसरों की फीलिंग को लेके. दूसरों ने कुछ कह दिया तो आप दिल पे ले लेते हैं, लेट गो कीजिए ना. सेल्फ डाउट, इतनी पावर्स हैं आप में, फिर क्यों सेल्फ डाउट करते हो? ठीक है, इससे क्या होगा, आप चॉइस ही नहीं कर पाओगे. आप कोई चीज डिसाइड करोगे कि मुझे ये करना है, फिर अपने ऊपर डाउट, यार मैं ये कर पाऊंगा. लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट अपने आप से करना सीखिए. एंजाइटी प्रोन हो, एक्सेसिव वरी करते हो. आपको पता है ना कि चिंता चिता समान होती है. इतना ही फर्क होता है चिंता में और चिता में, कि जो चिता होती है वो मुर्दे व्यक्ति को जलाती है और जो चिंता होती है वो जिंदे व्यक्ति को जलाती रहती है. और हम धीरे 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 कमजोर होते रहते हैं. तो ये सेल्फ डाउट और एंजाइटी प्रोन होना बंद कर दीजिए. अदरवाइज यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ चॉइस और आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आपको लाइफ में करना क्या है. और यू ऑलवेज रन फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, यू ऑलवेज अवॉइड द प्रॉब्लम्स, उनको फेस करना ही नहीं चाहोगे. कितनी बातों से रिलेट किया. क्या आप में ये बुराइयां हैं? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा. और आप रियल में चाहते हैं इन सारी कमजोरियों के ऊपर विजय की प्राप्ति, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी नेम के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर शेयर कीजिएगा. आई विल शेयर द कस्टमाइज रेमेडी फॉर यू. अब बारी है हमारे अगले नंबर की, और ये नंबर है नंबर 30. जुपिटर का नंबर है नंबर 3. 3+0 का टोटल भी आता है नंबर 3. तो जुपिटर लाइक क्वालिटीज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी. तो ये जुपिटर लाइक क्वालिटीज आपकी पर्सनालिटी को कैसा बना देती हैं? ये आपकी पर्सनालिटी को बना देती हैं एक अच्छा क्रिएटर. आप में आर्टिस्टिक टैलेंट होता है. हमेशा पॉजिटिविटी से भरे हुए रहोगे, चाहे लाइफ में कितने चैलेंजेस आ जाएंगे. ऐसे लोगों को आप एक स्माइल के साथ देखोगे, एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ देखोगे. दे ऑलवेज थिंक फॉर दैट लाइफ ने इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके रखा हुआ है. ऐसा करिश्मा होता है इनकी पर्सनालिटी में कि लोगों को वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं. क्रिएटिव, बहुत ज्यादा उदार, जो हमेशा लोगों की मदद करके खुश होता है. जॉयफुल नेचर है आपका. सोशल बटरफ्लाई कहना भी कुछ गलत नहीं होगा. आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने के साथ साथ आप हर काम में क्रिएटिविटी डालना पसंद करते हो. अडेप्टेबल नेचर होता है, हमेशा थॉटफुल रहते हैं. दे ऑलवेज थिंक फॉर अदर्स फीलिंग, बैलेंस्ड अप्रोच बना के रखते हैं हर चीज में. दे ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन द लाइफ. अब बात करेंगे आपकी चैलेंजेस की जिनको आपने लेट गो करना है. सेल्फ डाउट, अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए. यू मे स्ट्रगल विद कॉन्फिडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम. आप इतने पावरफुल हैं, इतने एक्सप्रेसिव हैं, जॉयफुल हैं, सोशल बटरफ्लाई हैं, हर माहौल में एडजस्ट होना जानते हैं. इतनी क्रिएटिविटी आप में भरी है, इतनी पावर आपके अंदर है कि यू मोटिवेट अदर्स टू टेक एक्शंस. इतना विस्टम आपको भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, तो फिर क्यों अपने कॉन्फिडेंस को आप कम करते हैं? लेट गो कीजिए ना पास्ट में जो भी हुआ है. फियर आपने कभी नहीं करना है. आप अपने इमोशंस को दबा के जो रखते हैं ना, ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे देगा. इसको मत कीजिएगा. बहुत जल्दी स्ट्रेस फील कर देते हो आप लोग. बहुत सारी चीजें एक साथ आपकी लाइफ में हो रही है ना, तो आप ऐसे हो कि डर जाओगे और स्ट्रेस में आ जाओगे. परफेक्शन के पीछे भागते हो. ठीक है, यू आर द वन हु इज ओवरली क्रिटिकल फॉर योर सेल्फ. परफेक्शन चाहिए हर चीज में. परफेक्शन अगर के पीछे भागोगे ना, तो प्रोकास्टिनेशन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इंपॉर्टेंट टास्क भूल जाओगे. एक ही चीज के पीछे दो तीन काम हाथ में लिए, एक ही चीज को परफेक्शन 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 के पीछे भागते हुए सही करते रहोगे, तो बाकी के काम कब करोगे? वो काम सब डिले होते रहेंगे एंड उसमें से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टास्क भी होगा. तो परफेक्शन के पीछे मत भागिए. लुक फॉर प्रोग्रेस, छोटे छोटे स्टेप लीजिए. प्रोकास्टिनेशन जिंदगी में जितना काम करेंगे ना, उतना जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस पाएंगे. बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की. आपके जो भी आइडियाज हैं, जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी विजन है आपका, अपने पार्टनर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा.
बात करेंगे नंबर 31 की, आप है इनोवेटिव थिंकर। 3 किसका नंबर है? जुपिटर का नंबर है। 1 किसका नंबर है? सन का। और 3+1 का टोटल करेंगे तो बन जाता है नंबर 4। इतने ज्यादा पावरफुल नंबर आपके पास में है तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी होती है। आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हो, यू लव यूर फ्रीडम, माइंड स्टाइल ऑफ वर्किंग, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होते हो, यू ऑलवेज फाइंड अ क्रिएटिव सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, करेजियस होते हैं, ये रिस्क लेने से डरते नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस में बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। रिस्क लेना इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। 9 to 5 की जॉब में बदले में रहना इन्हें पसंद नहीं होता है। क्रिएटिविटी भी काफी कमाल की होती है, हमेशा अपना एक यूनिक अंदाज में कुछ करना इनको पसंद होता है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, दे ऑलवेज मेंटेन अ गुड डिसिप्लिन इन देयर लाइफ। हमेशा इनोवेटिव और न्यू आइडियाज के साथ में आप इनको देखोगे। आप कभी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो ना, इनके पास चले जाओ, दे ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन, और बहुत ही क्विक सॉल्यूशन देते हैं क्योंकि इनके पास क्रिएटिव, ओरिजिनल और बहुत क्विक सॉल्यूशन होते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, ऐसा डिटर्मिनेशन बिल्कुल पहाड़ के जैसा जिसको कोई भी ना हिला सके, इसीलिए अपने गोल बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। हमेशा पॉजिटिव आउटलुक होता है लाइफ को लेके, आशावादी विचारों से भरे रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, किसी से भी कमिटमेंट करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स है या फैमिली मेंबर है, उनके लिए जिंदगी भर लॉयल रहेंगे। कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे लोग, दे बिलीव इन देयर एबिलिटीज और इसी के कारण रिस्क भी लेते हैं। नेचुरली ऐसे लोगों में एक बात होती है इनके कम्युनिकेशन में, इनकी पर्सनैलिटी में, कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, लोग इनकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपकी कुछ बुराइयां भी हैं जिनको लेट गो करेंगे तो लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। तो देखो, आपको कभी भी डिटैच्ड नहीं होना है। आपको ऐसा लगता है कि ना सामने वाले मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, मेरे विचारों को कोई समझ नहीं पाएगा, जिससे आप लोगों से एक डिस्टेंस बना लेते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यू आर वेरी इंपल्सिव, बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में जब भी डिसीजन आपने लिया है वो खराब ही रहा है आपके लिए। आप अपनी लाइफ को उठा के देख लीजिए, अगर आप 30 साल के हैं तो अपने 29 इयर्स को देख लीजिए, अगर आप 40 साल के हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने 39 इयर्स को देख लीजिए। जब भी आपने इंपल्सिव होके डिसीजन लिया है, कोई भी एक्ट किया है, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देके गया है। आपको अथॉरिटीज और रूल्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं अपने जीवन में, और कई बार आप उन अथॉरिटीज का मिसयूज करते हो, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ये चीज कभी भी मत कीजिएगा। आपकी लाइफ है, आपका डिसिप्लिन से जरूरी तो नहीं है कि सब लोग उसी डिसिप्लिन को पालन करें। आपको लोगों को समझना है, मैं जानती हूँ अच्छी राय दे रहे हो, बट लोगों की भी मेंटालिटी को समझ के आपने उनसे कन्वर्सेशन करना है, और इम्पल्सिव नहीं होना है कि आज मैं ऐसा चाह रहा हूं तो ये व्यक्ति इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे दे। कम ओवर क्रिटिकल, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल हो जाते हो, दूसरे नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए भी क्रिटिकल हो जाते हो, अपने से भी उम्मीद करते हो और दूसरों से भी उम्मीद करते हो। कभी कभी आप इनकंसिस्टेंट देखे गए हो। यू आर द वन हु इज फेसिंग लॉट्स ऑफ ट्रबल मेंटेनिंग फोकस। फोकस 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 लेके आइए। अगर फोकस से काम करेंगे, एक चीज पे ऊपर काम करेंगे, तो उसमें आपको मास्टरी मिलेगी। इनकंसिस्टेंट होना बंद कर दीजिए किसी भी चीज के लिए। अब आपके लिए रिलेशनशिप टिप मैं देना चाहूंगी कि आपको अपने इंटरेस्ट को समझना है, आपको दूसरे पार्टनर के इंटरेस्ट को भी समझना है, और एक दूसरे को इंक्रेज करते हुए आपने लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपका कोई भी पार्टनर 31st बोर्न है तो ये इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेगा, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर काम करना पसंद करेगा। आप अगर उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, आप उसके गोल को अचीव करने में उसकी मदद करते हैं, तो ये ऐसे हैं जो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी सुपर पावर सबसे ज्यादा अच्छी लगी,
और इसके साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, ये शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपसे मिलती हूँ अब एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।